ओ बल्ले बल्ले शाबा शाबा बल्ले बल्ले, आज तो पढ़ेंगे हम लाइट के बारे में। ये तो बहुत आसान चैप्टर होने वाला है, चलो पढ़ते हैं। क्यों, इतना भी आसान नहीं होने वाला ये चैप्टर। तो लाइट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन आखिर लाइट होती क्या चीज है? सर रोशनी, बहुत सिंपल, बस हो गया चैप्टर खत्म। इतना सिंपल नहीं है ये। लाइट को अगर हम लोग साइंस की लैंग्वेज में देखें तो हम लोग लाइट की प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आवर आईज कैन डिटेक्ट। हमारी आंखें एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को देख पाती हैं जिसे हम लोग लाइट बोलते हैं। लाइट एनेबल्स अस टू व्यू अवर सराउंडिंग, और लाइट की वजह से ही हम आसपास की अपनी सराउंडिंग को देख पाते हैं। सर कैसे, आसपास की सराउंडिंग को कैसे? अपने रूम की लाइट बंद कर दो, क्या दिखेगा आसपास क्या है? अरे दिखेगा सर, दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा। सोचो तुम्हारे रूम के अंदर बिल्कुल भी लाइट ना हो, फिर देख पाओगे क्या कुछ? सर नहीं देख पाएंगे फिर तो इसीलिए लाइट हमें एनेबल करती है, मतलब हमें वो शक्ति देती है जिससे कि हम आसपास की अपनी सराउंडिंग को देख पाएं। लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइन के अंदर लाइट भी सीधे चलती है? ऐसा तो सर हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है ऐसा, ज़रा एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। एक पाइप ले लो या एक स्ट्रॉ, उसको अपनी आँख के पास रखना और सामने ही एक कैंडल भी बर्न कर लेना। जब आप उस पाइप या स्ट्रॉ के थ्रू उस कैंडल को देखोगे तो आपको वो लाइट उस कैंडल से आती हुई क्लियरली दिखेगी। लेकिन अब इसी स्ट्रॉ को बेंड कर लेना, फिर आपको लाइट नहीं दिखेगी। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन के अंदर ट्रैवल करती है लाइट। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ होती है? जब भी हम लाइट को ट्रैवल करते हुए देखते हैं, मतलब लाइट जब भी किसी स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो जब वो रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे, उसे ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सर ऐसे नहीं समझ में आता सर, इतनी भारी भारी डेफिनेशन से आसान तरीके से समझाओ। तो आसान तरीका यही है कि आपने कभी अपने घर के आसपास मिरर को देखा है, और मिरर पे जब भी आप लाइट को रिफ्लेक्ट करोगे, जैसे आपने कोई भी जैसे लेज़र लाइट ले ली, तो वो लाइट क्या होगी, मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ मिरर इज जनरली एनी शाइनी सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट बैक लाइट। तो मिरर की यहाँ पर साइंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी चीज़ जो शाइनी है उसे ही हम लोग बोल देते हैं मिरर। सिंपल ये है। तो यहाँ पर मिरर आपका कोई भी हो सकता है, जैसे आपका वुड की टेबल हो गई, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है, उसके ऊपर आप लाइट, अगर लाइट की अगर कोई बीम पास कर रही हो, जैसे आपने क्या करा, लेज़र लाइट उसके ऊपर मारी, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है लेज़र लाइट। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो टेबल है दैट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ मिरर, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मिरर। तो मिरर जो होता है उसका सरफेस कैसा रहता है, प्लेन, मतलब उबड़ खाबड़ सरफेस नहीं रहता, मिरर का बिल्कुल प्लेन सरफेस रहता है। आप अपने घर पे भी देख सकते हो ये, या फिर कोई चीज़ जो शाइनी चीज़ होगी उसका सरफेस आप देखोगे, गौर करोगे, तो बिल्कुल स्मूथ रहता है, प्लेन रहता है। मिरर कभी कभी कर्व्ड भी होता है, कर्व्ड मतलब कि अंदर की तरफ हो रखा होता है या बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो इस टाइप के भी आपने मिरर्स देखे होंगे, और ये जो कर्व्ड वाला मिरर होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं कर्व्ड मिरर, और जो मिरर प्लेन होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। सिंपल है बहुत। जो मिरर हमारा स्ट्रेट है, मुड़ा तुड़ा नहीं है, उसको हमने प्लेन मिरर बोला है। जो मिरर थोड़ा सा कर्व्ड है, उसकी शेप अलग सी है, बाहर निकला हुआ है या अंदर की तरफ है उसकी शेप, तो उसको हम लोग कर्व्ड मिरर बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, जो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ा रहा हूँ ये आपकी बुक से ही है, तो आप ध्यान से पढ़ें, ये ना सोचें कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, मैं आपको NCERT बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आएगा वही पढ़ा रहा हूँ। तो एक एक चीज़ पर ध्यान दें और अच्छे से समझें, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना, स्पेशली मैं सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ एन इमेज। आखिर एक इमेज क्या चीज़ होती है? सर इमेज तो वो जो हमारे फ़ोन के अंदर हम लोग फोटो खींचते हैं वो सेव हो जाती है, दैट इज़ एन इमेज, हम उसे इमेज ही बोलते हैं, फोटो बोलते हैं या फिर। तो ये जो इमेज होती है इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज क्या है? कभी आप मिरर के सामने खड़े हुए हो तो जो मिरर आपकी क्या चीज़ बना रहा होता है? सर इमेज बना रहा होता है। सो दैट इज़ एन इमेज।
mirror reflects light, an image of the object in front of it is formed. तो mirror क्या करता है? Light को reflect back करता है और हमारी इमेज मिरर के सामने बन जाती है। पड़ी क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम मिरर्स के बारे में। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी आप जब मिरर के पास जाते हो तो आपकी इमेज थोड़ी सी बड़ी बनती हुई दिखेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपका साइज़ बढ़ रहा है, और जितना आप मिरर से दूर जाते जाओगे उतना आपका साइज़ छोटा होता जाएगा। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? इफ़ The distance between the object and the mirror increases or decreases, the size of the image formed on the mirror will also change. मतलब क्या हिंदी में? कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हो गया, कोई ह्यूमन बींग हो गया, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ ले लो, लिविंग या नॉन लिविंग, वो जब मिरर के पास होगी या फिर मिरर से थोड़ा दूर होगी तो उसका साइज हमें बढ़ता हुआ या कम होता हुआ दिखेगा मिरर के ऊपर। सिंपल इसका मतलब ये है। अब एक और चीज़ होती है, अगर आपकी मिरर के ऊपर इमेज सीधी यानी कि स्ट्रेट फॉर्म हो रही है, सो दैट इज़ एन इरेक्ट इमेज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। और अगर आपकी इमेज उल्टी फॉर्म हो रही है मिरर के ऊपर, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी फॉर्म हो रही है मिरर के ऊपर, देन इट इज़ एन इन्वर्टेड इमेज, उसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इफ़ द इमेज इज इरेक्ट then the image is said to be straight, and if the image is inverted then it is said to be upside down. upside down मतलब कि उल्टी। तो सिंपल मतलब क्या? सीधी इमेज अगर फॉर्म कर रहा है मिरर तो वो इरेक्ट है, अगर उल्टी इमेज फॉर्म कर रहा है तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग? इन्वर्टेड इमेज। सिंपल यही है। कभी किसी एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा है? सर नहीं देखा। तो नोटिस करो, ये एक इमेज है एम्बुलेंस की, देखो इसके ऊपर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा हुआ है? उल्टा इसलिए लिखा है जिससे कि जो भी आगे गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा ड्राइवर, जब वो अपने शीशे के अंदर देखेगा कि पीछे एम्बुलेंस है तो उसे एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा अपने शीशे के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मिरर के अंदर, जो सेंटर वाला मिरर होता है, उसके अंदर इमेज जो है वो उल्टी फॉर्म हो रही है एम्बुलेंस की, इस वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो। और अगर आप कभी भी अपने फादर या मदर के साथ ट्रैवल करो, या फिर स्कूल बस के अंदर ट्रैवल करो, तो अगर कभी भी एम्बुलेंस आपके पीछे हो स्कूल बस के, तो आप इस चीज़ को नोटिस ज़रूर करना। वाले हम लोग स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। सर स्पेरिकल मिरर्स मतलब क्या? नाम से ही मतलब समझते हैं। तो स्पेरिकल का मतलब क्या होता है? स्पेयर जैसी शेप, और मिरर मतलब कि गोल शेप वाला मिरर। अच्छा सर ये तो बहुत आसान था, समझ में आ गया। तो स्पेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। जो स्पेरिकल मिरर को आप ऐसे ही समझ लो, एक बहुत बड़ा गोल सा पार्ट है एक मिरर का, और उसकी शेप स्पीयर जैसी है। स्पीयर तो आप समझते ही हो, गोल टाइप की शेप हो गई उसकी। तो यहाँ पर दो टाइप के स्पेरिकल मिरर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है इनवर्ड्स, मतलब कि अंदर की तरफ से इमेज, मतलब अंदर की तरफ से वो रिफ्लेक्ट करता है। और कॉन्वेक्स के अंदर जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है आउटवर्ड्स की तरफ से। सर ये कुछ समझ में नहीं आया। अब कॉनकेव की तरफ देखो, हम केव के अंदर जाते हैं तो वही वाला दिख रहा है ना, केव। कौन केव? तो मतलब ये केव जैसी शेप का है, तो मतलब क्या? इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड्स, तो इसके अंदर से इमेज फॉर्म होती है। कॉन्वेक्स का फिर वही, कॉन्वेक्स के आउटवर्ड की तरफ से इमेज फॉर्म होती है। सिंपल। तो ये स्पेरिकल तो सर दिख ही नहीं रहे, आपने स्पेरिकल मिरर क्यों बोला इनको? अब इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक बहुत बड़ा सा सर्कल था जिसको बीच से कट करा है, तो उसके दो पार्ट हो गए हैं, एक कॉन्केव बन गया और एक कॉन्वेक्स बन गया। तो इसी तरीके से समझ लो आप लोग, पढ़ी क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो आप इस पूरे कॉन्केव और कॉन्वेक्स को। मोर स्पेसिफिकली 10th क्लास में पूरा चैप्टर मिरर्स के ऊपर है जिसके अंदर ये पूरा आप स्टडी करोगे। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे अभी हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया कॉन्केव मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब इनकी कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि कॉन्केव मिरर हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है, मोस्ट ऑफ द केसेज में रियल इमेज फॉर्म करता है, और कॉन्केव
मिरर के अंदर जो इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी। दो चीज़ें याद रखनी है, कॉनकेव मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है और इन्वर्टेड, सिंपल, और कुछ भी नहीं याद रखना। कुछ केसेस के अंदर ये स्ट्रेट भी फॉर्म करता है, लेकिन वो बड़ी क्लासेस का है। यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। अब कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब कि नकली, मतलब ये इमेज असली नहीं होती, नकली होती हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और ये हमेशा इरेक्ट, इरेक्ट मतलब कि सीधी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं इरेक्ट इमेज। और हमेशा हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादातर यही इमेजेस फॉर्म करता है। तो आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं, कॉनकेव मिरर बनाता है कैसी इमेज, फटाफट रिकॉल करो, कैसी? इन्वर्टेड और रियल। और हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैसी बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट। तो फटाफट हमारा हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला भी पूरा टॉपिक, तो पढ़ लिया कॉनकेव मिरर के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं ये तो बता दो। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसको सैटेलाइट डिशेस, मतलब जो घर में आप टीवी देखते हो उसके बाहर जो सैटेलाइट लगी हुई है उसके अंदर भी यूज़ करा जाता है, तभी जो आपकी सैटेलाइट होती है वो सिग्नल भेज पाती है और सिग्नल रिसीव कर पाती है। जो डेंटिस्ट हैं वो भी कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं, जिससे कि वो आपके टीथ्स के अंदर देख पाएँ और आपके टीथ को सही कर पाएँ। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जो हेडलाइट होती हैं हमारी कार्स की वो भी कॉनकेव मिरर को ही यूज़ करती हैं। जो टॉर्चेज होती हैं उनके अंदर भी कॉनकेव मिरर लगा हुआ रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशंस के बारे में, मतलब कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को आप देखोगे तो जनरली हमें देखने को मिलता है कि कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है हमारी कार्स के जो साइड में मिरर होता है वो, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। सर कॉन्वेक्स मिरर तो लेकिन नकली इमेज बना रहा था, जो हमारी कार के साइड से मिरर रहता है वो तो असली इमेज बनाता है, जैसा है बाहर वैसा ही दिखाता है। नहीं, नोटिस करना, आपकी कार के अंदर जो मिरर है साइड से उसके ऊपर एक वार्निंग लिखी रहती है कि इमेजेस अपीयर टू बी क्लोजर देन दे आर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पीछे वाली गाड़ी है वो आपको ऐसा लगेगा कि आपके बहुत पास है, लेकिन वो असलियत में उतना पास नहीं होती, तो ये नकली इमेज ही तो दिखा रहा है आपको। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। और ऐसा ही होता है, उस मिरर को इसलिए लगाया होता है आपकी कार के पास में जिससे कि ज़्यादा दूर तक ड्राइवर देख पाए, और कुछ भी रीज़न नहीं होता उसको कॉन्वेक्स मिरर को कार के अंदर यूज़ करने का। आप देखोगे कि जो ATMs हो गए या फिर हमारे कहीं पे भी सिक्योरिटी चेक्स वगैरह हो गए, वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करा जाता है जिससे कि डिटेक्ट कर पाएँ वो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी की उन्हें, और इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अच्छा, लेंसेज के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अभी जैसा हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था, मिरर्स कितने टाइप के थे? सर एक कॉनकेव था एक कॉन्वेक्स था। तो ऐसे ही हमारे लेंसेज भी होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। इंट्रोडक्शन ही दिया है इस क्लास के अंदर, तो हमें 7th के अंदर 10th के अंदर हमें डिटेल में बताया है। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर आप देखोगे तो कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप गौर से देखोगे इसका स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स लेंस का तो कुछ इस तरीके का होता है। बीच में कैसा रहता है, ये थिक रहता है, मोटा होता है बीच में, और साइड्स में थोड़ा सा पतला होता है। तो ये आप कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर देख सकते हो। और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये देख रही हो ये जो लाइट की रेज आती हैं ये जाकर मिल जाती हैं जब ये कॉन्वेक्स लेंस के अंदर से पास होती हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। और हमारा जो कॉन्केव लेंस होता है, इधर देख रहे हो बीच में कितना पतला सा है ये और साइड में कितना थिक है, बस इसका डिज़ाइन देख लो आप, ज़्यादा कुछ आपको नोटिस नहीं करना, इसका डिज़ाइन नोटिस करिए आप लेंस का कैसा है। और हम लोग कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखो लाइट रे आई, ये लाइट आई क्या हो रही है, ये लाइट भाग रही है, इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, सब लाइट फैल रही है, तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं फैलने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं, डाइवर्ज हो रही है ये लाइट, इधर उधर भाग रही है, फैल रही है, तो इसीलिए हम लोग कॉनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बीच में। कॉन्वेक्स लेंस बीच से थिक होता है, कॉनकेव लेंस बीच में से थिन होता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि इससे लाइट की रेज क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। आगे चलते हैं हम लोग, किस तरीके की आखिर इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के ऊपर।
तो ये जो इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से समझ लो, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, नहीं तो एग्ज़ाम से पहले एक बार वीडियो देख लेना, आपका पूरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉनकेव लेंस होता है वो किस तरीके की इमेज फॉर्म करता है, वो करता है वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इमेज, मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इमेज फॉर्म होती है उससे। कैसी? वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल। वर्चुअल मतलब कि नकली, इरेक्ट मतलब कि सीधी, स्मॉल मतलब छोटी। कौन सा ऐसा हमारा लेंस है जो ऐसी इमेज को फॉर्म कर रहा है? कॉनकेव लेंस। याद रखना है कॉनकेव लेंस कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर नहीं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मिरर के बारे में जानना है थोड़ा पीछे जाकर देख लो वीडियो में। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज फॉर्म करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, और लार्ज होता है इसका साइज। मतलब कैसी इमेज फॉर्म करता है कॉन्वेक्स लेंस, रियल मतलब असली, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी, और साइज कैसा रहता है इमेज का, लार्ज मतलब बड़ी बड़ी इमेजेस इसके अंदर से फॉर्म होती हैं। तो हमें पता चला कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज फॉर्म करता है और कॉनकेव लेंस कैसी इमेज फॉर्म करता है। इमेज फॉर्मेशन के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों अच्छे से इनको लर्न ज़रूर कर लेना आप लोग। अब इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है सनलाइट वाला। क्या कभी आपने रेनबो देखा है, मतलब कि इंद्रधनुष? देखा तो ज़रूर होगा, और नहीं देखा तो इंद्रधनुष को देखो, कितना सुंदर लगता है और कितनी सारे इसके अंदर कलर्स होते हैं। लेकिन ये कलर्स आते कहाँ से हैं? अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कलर्स सनलाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो आप बोलोगे नहीं सर, सनलाइट के अंदर तो नहीं होते प्रेजेंट, वो तो येलोइश कलर की होती है, वाइटिश कलर की होती है, ऐसा तो होता ही नहीं है, पता नहीं आप कैसे बोल रहे हो कि इतने सारे कलर प्रेजेंट है। बट हाँ, सनलाइट के अंदर ही ये सारे कलर प्रेजेंट होते हैं। सर ऐसे कैसे? अच्छा, इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जब भी घर में आप कोई टेस्टी चीज़ खाते हो, जैसे कि क्या, चाय पीते हो, या फिर आपने मान लो कोई भी टेस्टी चीज़ खाई, तो वो कितने सारे इंग्रेडिएंट से बनी हुई होती है। जब चाय आप देखोगे तो दूध कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, और उसके अंदर फिर हम लोग क्या डालते हैं, टी लीव्स डालते हैं, शुगर डालते हैं, और जिंजर डालते हैं। ये सारी चीज़ें डालकर हम लोग टी को प्रिपेयर करते हैं। तो जब फाइनली हम लोग टी का कलर देखते हैं तो वो कैसी होती है, ब्राउनिश कलर की। लेकिन दूध तो वाइट कलर का था, तो ये तो दूध से बनी नहीं सकती, आप तो ऐसा बोलोगे, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा ही हमारी सनरेज के साथ होता है। जब हम लोग अपनी आईज से देखते हैं, नेकेड आईज से, तो हम लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, वो जो वाइट लाइट है उसके अंदर कितने सारे कलर्स हैं हम लोग ये चीज़ पता लगा नहीं पाते। लेकिन जब भी बारिश हो रही होती है तभी रेनबो फॉर्म होता है, और रेनबो के फॉर्म होते ही हमें इस वाइट लाइट के अंदर से डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरी चीज़ को क्या बोलते हैं, ये जो वाइट लाइट थी और इसके अंदर से इतने सारे कलर्स निकले, इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये जो डिफरेंट कलर्स निकले हमारे, दीज आर ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सर ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट हम लोग रेनबो के साथ ही देख सकते हैं? नहीं, अपनी साइंस वाली मैम से अगर आप पूछोगे तो साइंस लैब के अंदर प्रिज्म भी रखा होगा। प्रिज्म के अंदर से जब आप एक वाइट लाइट को पास करोगे तो प्रिज्म के अंदर से भी कुछ इसी तरीके की लाइट देखने को मिलेगी जैसी आपको रेनबो के अंदर से देखने को मिलती है। कभी कभी आपने जब सीडी, मतलब जो हमारे घर में सीडी लगी होती है, डीवीडी प्लेयर्स के अंदर हम लोग लगाते हैं मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, उसको थोड़ा सा रोटेट करोगे तो उससे भी डिफरेंट कलर्स निकलते हुए दिखेंगे। वो भी एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का हमें एक्सपेरिमेंट या फिर एक एग्जाम्पल शो करती है। अब न्यूटन जो थे, उन्होंने इसी चीज़ को स्टडी कर एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट और बच्चों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करी। उन्होंने क्या करा, एक सर्कल लिया, उसके ऊपर 7 कलर्स, ब्लू हो गया आपका, ब्लूइश कलर हो गया जिसको हम लोग वायलेट बोलते हैं, ये सारे कलर्स उन्होंने क्या करे, कलर कर दिए जैसा आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर। और फिर इसके बीच में क्या करा, कोई एक ऐसी स्टिक लगा दी और फिर इसको ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगे। तब उन्होंने जब इसको ज़ोर ज़ोर से घुमाया तब उन्हें ये देखने को मिला कि ये जो कलर्स थे ये डिसअपियर हो रहे थे, वाइट कलर के हो रहे थे। तब पता चला उन्हें कि इसी तरीके से जो हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है वो वर्क करता है।
जब हम लोग नेकेड आइज से नोटिस तो नहीं कर पाते व्हाइट लाइट के अंदर इतने सारे कलर्स, लेकिन जब बारिश वगैरह होती है या फिर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हमने प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट करा था, तब हमें पता चलता है कि व्हाइट लाइट के अंदर भी बहुत सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट को आपने समझा होगा, आई होप अंडरस्टैंड करा होगा। इसी के साथ हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी, जैसा मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। एक कॉनकेव लेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद हमारा कॉनकेव मिरर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर हमारा मैग्नीफाइड इमेज है और मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये भी बहुत सिंपल है, मैग्नीफाइड इमेज का मतलब यही होता है कोई भी इमेज एनलार्ज हो गई, बड़ी हो गई। मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने देखा होगा, डिटेक्टिव बनते हो गए आप घर पे, तो क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग बड़ी किसी भी चीज़ को बड़े साइज में देख सकते हैं। सो मैग्नीफिकेशन ऑफ अ इमेज इज कॉज्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। वी कैन सी अ मैग्नीफाइड इमेज विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और अ एनलार्ज्ड इमेज, बड़े साइज की इमेज हम लोग देख सकते हैं मैग्नीफाइड ग्लास। मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड ग्लास, ये दोनों सेम ही चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक था, इसलिए मैंने यहीं पर समझा दिया। कॉन्वेक्स लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स मिरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता चला। इरेक्ट इमेज, स्ट्रेट इमेज को बोलते हैं हम लोग। रियल इमेज, असली इमेज को बोलते हैं। वर्चुअल, वर्चुअल कैसी रहती है हमारी इमेज, वर्चुअल वो वाली इमेज जो कि नकली होती है। रेनबो में भी पता चला हमें स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में कि रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो वाइट लाइट होती है उसके अंदर से डिफरेंट कलर्स होते हैं, कंसिस्ट करती है वो डिफरेंट कलर्स को, तभी हमें रेनबो देखने को मिलता है। जब रेन होती है तब हमें रेनबो देखने को मिलता है। तो रेनबो इज ऑल्सो अ गुड एक्सपेरिमेंट, और अब आपको पता चला कि रेनबो के अंदर इतने डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं। तो अब इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, दैट इज वॉट इज अ वर्चुअल इमेज। आखिर एक वर्चुअल इमेज क्या होती है, फटाफट आप बता दो इस चीज़ का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर कवर कर ली हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं। इस चैप्टर को ज़रूर देखें एग्जाम से पहले, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।